हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में हमने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल तथा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण एवं आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं, जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं एवं आर्थिक महत्व के आधार पर भी फसलें कितने प्रकार की होती थी, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, पौधों का या फसलों का उनका अलग अलग विशेष उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, उनका क्या अपना अलग यूटिलाइज है, क्या उनका अलग उपयोग है, इस प्रकार से हम फसलों को कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं या कितने प्रकार से उनको वर्गीकृत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, आज पढ़ाएंगे अपना है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या हिंदी में बात करें तो पौधों के या फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या पौधों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, तो पौधों को उनके हम विशेष उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से डिवाइड करते हैं या निम्न प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, पहला ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ठीक। फर्स्ट है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हिंदी में हरी खाद की फसलें, ठीक। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन में फर्स्ट हमारा है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद की फसलें। हरी खाद की फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनको हम मृदा में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से या खाद प्रदान करने के उद्देश्य से जिनकी बुआई करते हैं या खाद प्रदान करने के उद्देश्य से हम उनको उगाते हैं, उन्हें हम हरी खाद की फसलें कहते हैं। क्योंकि इन फसलों का अपना एक विशेष उपयोग होता है, क्या कि ये अपनी मृदा में हरी खाद या मृदा में खाद की बढ़ोतरी करती है, खाद को मिलाती है, ठीक। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं जो हरी खाद के लिए उगाई जाती है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, मसूर, ये जो फसलें हैं ये हरी खाद की फसलें कहलाती हैं, जिनका प्रयोग हम खेत में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से करते हैं, ठीक। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी फसलें जिनको हम मृदा में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम हरी खाद की फसलें कहते हैं। और कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया आदि, ठीक। हरी खाद की फसलें क्या है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद की फसलें क्या होती हैं, कि ऐसी फसलें जिनको हम मृदा में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम हरी खाद की फसलें कहते हैं। और उनके उदाहरण क्या है, जैसे सनई है, ढैंचा है, मूंग है, लोबिया आदि, सारी जो फसलें वो हरी खाद की फसलें, ठीक। तो फर्स्ट हो गया ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स स्पेशल यूटिलाइजेशन में। सेकेंड है हमारा मृदा आरक्षक फसलें, या सेकंड हमारा क्या है, मृदा आरक्षक फसलें। पहला तो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, अब दूसरा हमारा क्या है, मृदा आरक्षक फसलें। सेकंड है
मृदा आरक्षक फसलें, ठीक। मृदा आरक्षक फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जो कि मृदा में आच्छादन प्रदान करती हैं या मृदा को ऊपर से ढकती हैं, जिससे कि मृदा में होने वाले कटाव से मृदा की बचत की जा सके या मृदा में होने वाले कटाव या मृदा के कटाव से मृदा को बचाया जा सके, उसे हम या उनको हम या ऐसी फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मृदा का जो कटाव होता है वो लगभग दो तरीके से होता है, एक तो वाटर इरोजन, दूसरा विंड इरोजन। मृदा का क्षरण या भूचरण आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि दो तरीके से होता है, एक तो वाटर इरोजन, दूसरा वाइंड इरोजन या विंड इरोजन। जल द्वारा मृदा का कटाव, दूसरा हवा द्वारा मृदा का कटाव। अगर हवा द्वारा या जल द्वारा मृदा कटाव से मृदा को बचाना है तो उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर ऐसी क्रॉप्स की बुआई फील्ड में कर दें जिससे कि वो मृदा में एक आच्छादन प्रदान करें या मृदा को ऊपरी सतह की मृदा को ढक लें, जिससे कि मृदा में पानी से या हवा से कटाव को बचाया जा सके। तो ऐसी फसलें मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें होती हैं जो मृदा में आच्छादन प्रदान करती हैं? वे फसलें जो मृदा में भूमि को या मृदा को आच्छादन प्रदान करती हैं, जिससे कि मृदा में होने वाले कटाव से, चाहे वो भूक्षरण हो या हवा के द्वारा कटाव हो या जल के द्वारा कटाव हो, भूक्षरण जिससे मृदा के कटाव को रोका जा सके, ऐसी फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। जैसे जो लेग्यूमिनेसी की फसलें हैं या जो नीचे फैलने वाली फसलें होती हैं, जो ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, मृदा में कुछ छोटे कम लंबाई वाली फसलें होती हैं और वो फैलने वाली फसलें जो हैं वो मृदा को आच्छादन प्रदान करती हैं और बहुत अधिक भूमि कटाव को भी रोकती हैं। जैसे मूंग, लोबिया, मटर, सोयाबीन आदि, ये सारी फसलें जो हैं मृदा आच्छादन वाली फसलें कहलाती हैं या मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। कुछ घास भी जो होती हैं या जो ग्रासेज होती हैं वो भी एक तरह से मृदा में आच्छादन प्रदान करती हैं या मृदा को ढकने का कार्य करती हैं, जिससे मृदा का होने वाले कटाव से या मृदा को कटाव से बचाया जा सके। तो इसी फसलों को हम कौन सी फसलें कहते हैं? मृदा आरक्षक फसलें, उदाहरण के लिए लोबिया, मटर, सोयाबीन आदि। ठीक, अगला हमारा क्या है? तीसरा है, थर्ड स्पेशल यूटिलाइजेशन, तीसरा है कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। ठीक, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें, पढ़ी होंगी आप लोगों ने इंटर में फर्स्ट ईयर में कि कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें क्या कहलाती हैं। इनमें आप लोग सिर्फ फसलों के नाम याद रखिएगा, इन किन चीज़ों में आती हैं उनको याद रखिएगा। अब दो क्वेश्चन में आपसे एक नंबर में दो नंबर पूछा जाता है या पूछ लिया जा सकता है कि कैश क्रॉप या नकदी फसल है। नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें सही ऑप्शन को ही आपको टिक करना होगा। तो नकदी फसलें क्या होती हैं? नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनको किसान पूरा का पूरा उपयोग में ना ला करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच देता है और उससे उसको आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी फसलों को हम कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें कहते हैं। ठीक, नकदी फसलों में क्या लिखेंगे कि ऐसी फसलें जिनका प्रयोग किसान पूरा का पूरा अपने उपयोग में ना ला करके उनको बाजार में बेचकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी फसलों को हम नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स कहते हैं। और नकदी फसलों के उदाहरण क्या होंगे आप लोग सभी जानते हैं नकदी फसलें क्या कहलाती हैं। जैसे आलू, अगर आलू किसान बुआई करता है तो पूरा पूरा उपयोग नहीं ला करके बाजार में बेचकर उससे उसको आर्थिक आमदनी प्राप्त होती है। आलू है, सरसों है, तंबाकू है। ठीक, आलू, सरसों, तंबाकू, गन्ना, कपास आदि। ठीक, आलू, सरसों, तंबाकू, गन्ना, कपास आदि, ये सारी की सारी फसलें क्या हैं? ये सब कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें कहलाती हैं। यानी ये फसलें जो होती हैं इनका किसान पूरा का पूरा उपयोग में नहीं लाता है, इनको मार्केट में बेचकर उसको आर्थिक आमदनी प्राप्त हो जाती है और इन फसलों को हम कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें क्या होती हैं। ठीक, तो स्पेशल यूटिलाइजेशन में फर्स्ट हो गया ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद फसलें, दूसरा मृदा आरक्षक फसलें क्या होती हैं, तीसरा है कैश क्रॉप्स या
नकदी फसलें क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें किसे कहते हैं, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलों के बाद अगला है अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स। फोर्थ है कैच क्रॉप्स। देखिए डिफरेंस है कैश क्रॉप्स और कैच क्रॉप्स में, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती फसलें, ठीक, अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स। तो अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जो कि मृदा में या सॉरी ऐसी फसलें जो कि जब किन्हीं कारणोंवश या किन्हीं कारणों से मुख्य फसल खेत में नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर कम समय में तैयार करने वाली किसी दूसरी फसल की हम बुवाई कर देते हैं तो ऐसी फसलों को कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। या दो से अधिक फसलों के बीच में कम समय में तैयार होने वाली तीसरी फसल को जब हम उगाते हैं तो उसे हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक, तो आप समझ जाएं अंतर्वर्ती फसलें क्या होती हैं कि ऐसी फसलें कि जब हम मुख्य फसल हमारी किसी कारणवश से खेत में नष्ट हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार करने वाली हम अगर दूसरी फसल उगाते हैं तो उसे हम कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक फसलों के बीच कम समय में तैयार करने वाली अगर दूसरी फसल को हम देते हैं तो उसे हम अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें होंगी, जैसे मूंग, सावा, तोरिया, लाही, मूंग, सावा, तोरिया, लाही आदि, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं, कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें। आप लोग समझ गए होंगे कैच क्रॉप्स या अंतर्वर्ती फसलें क्या है कि ऐसी फसलें जब किन्हीं कारणों से मुख्य फसल खेत में नष्ट हो जाती है तो मुख्य फसल में उस खेत में हम ऐसी फसल को बोते हैं जो कम समय में तैयार हो जाती है जिससे हमारी कोई हानि भी नहीं होती है। या दो से अधिक फसलों के बीच में हम ऐसी तीसरी फसल को उगा लेते हैं तो उन्हें हम अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं, जैसे मूंग, सावा, तोरिया, लाही आदि। अगला है रक्षक फसलें या गार्ड क्रॉप्स। ठीक, अगला है रक्षक फसलें या गार्ड, या अगला इससे पहले आप दूसरा लिख दीजिएगा, अगला है कीट आकर्षक फसलें या ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स हिंदी में कीट आकर्षक फसलें, ठीक, ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। अगला है पांचवा ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। तो ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जो कि कीट आकर्षक फसलें कि हमारी जो मुख्य फसल होती है या कुछ ऐसी फसलें जिसको हम दूसरी फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं तो उन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे जैसे कपास के चारों ओर, कपास के चारों ओर भिंडी उगाना, ठीक, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी उगाना। तो कपास के चारों ओर अगर हम भिंडी उगा रहे हैं तो ये कैसी फसल है, ये है कीट आकर्षक फसल या ट्रैप क्रॉप्स। क्यों, क्योंकि कपास और भिंडी, ध्यान देखिए इधर, कपास जो है और भिंडी, क्योंकि कपास जो है मालवेसी कुल में आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कपास मालवेसी कुल में आता है और भिंडी भी मालवेसी कुल में आती है। ठीक, होता क्या है कि जब मान लें किसी खेत में हम कपास की बुआई करते हैं तो अगर कपास की बुआई हमने खेत में की है तो कपास के चारों तरफ हम भिंडी की बुआई कर देंगे जिससे कि जो कीट जो रोग, चूंकि दोनों मालवेसी कुल के हैं तो अगर दोनों को एक साथ बोएंगे तो कीट और रोग भी सेम लगेंगे। तो अगर हम कपास के चारों तरफ भिंडी की बुआई करते हैं तो जो कीट या रोग भिंडी में लगने वाले होते हैं उनको कीट रोग भिंडी में ज्यादा ना लग करके, सॉरी कपास में लगने वाले कीट
ज्यादा कपास में ना लग करके भिंडी में लग जाते हैं, हमारी जो मेन क्रॉप कपास की होती है या काटन की होती है वो शेष अच्छी बच जाती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होने पाता। तो इसी फसलों को हम ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहते हैं, क्योंकि कपास से कंपेयर में भिंडी में कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं, भिंडी में ज्यादा लगते हैं। इसीलिए कपास की फसल को रक्षा के लिए या कपास की फसल को बचाने के लिए हम कपास के चारों तरफ भिंडी की फसल को उगा लेते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो कपास की चारों भिंडी उगाना, तो ये उसमें आएगा ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलों में आएगा। ऐसी फसलें जिनको हम मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। होता क्या कि जब कपास के चारों ओर अगर हम भिंडी उगा रहे हैं तो भिंडी में रोग और कीट ज्यादा लग जाएंगे और कपास में कीट और रोग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी कपास की फसल जो कि वो सेफ बच जाती है, और इस प्रकार ऐसी फसलों को हम ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। ठीक, अगला है, लास्ट है, सब फसलें या नर्स क्रॉप्स, छठवां है नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें। ठीक, नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें। तो नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें क्या होती हैं कि ऐसी फसलें कि किसी मुख्य फसल को बोने से जब किसी दूसरी फसल को लाभ प्राप्त होता है उन्हें हम नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें कहते हैं। ऐसी फसलें कि जब मुख्य फसल को बोने से किसी दूसरी फसल को लाभ प्राप्त होता है उसे हम पोषक फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना बोना, गेहूं के साथ चना। ठीक, तो गेहूं के साथ, गेहूं जो कि मुख्य फसल है और चना इसकी पोषक फसल है, ये फसलें क्या है कि एक फसल को अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो उसके प्रभाव से दूसरी फसल ऑटोमेटिक बिना किसी लागत के उग जाती है। तो ऐसी फसलों को हम नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग सोशल यूटिलाइजेशन, पौधों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। और पौधों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण मैंने पहला बताया कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स या हरी खाद की फसलें। हरी खाद की फसलें क्या होती है कि ऐसी फसलें जिनको हम खेत में हरी खाद प्रदान करने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम हरी खाद की फसलें कहते हैं। जैसे सनई, मिर्चा, मूंग, लोबिया आदि ये सारी की सारी फसलें हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। सेकंड है हमारा मृदा आरक्षक फसलें। ऐसी फसलें जो कि मृदा में आच्छादन प्रदान करती हैं या मृदा को कटाव से बचाती हैं उन फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। जैसे मूंग, लोबिया, मटर, सोयाबीन आदि ये सब मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं जो कि मृदा कटाव को रोकती हैं। थर्ड है हमारा कैश क्रॉप्स या नगदी फसलें। नगदी फसलें क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जो किसान पूरा का पूरा उपयोग में नहीं ला करके उसको मार्केट में बेचकर या बाजार में बेचकर उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करता है तो ऐसी फसलों को हम नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण आलू है, सरसों, तंबाकू, गन्ना, कपास आदि ये सारी हमारी नकदी फसलों में आती हैं। अगला है कैश क्रॉप्स अंतर्वर्ती फसलें। जब किन्हीं कारणों से मुख्य फसल हमारे खेत में नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली दूसरी फसल जो ली जाती है उसे हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। या दो से अधिक फसलों के साथ जब कोई कम समय में तैयार होने वाली तीसरी फसल उगा लेते हैं तो उन्हें हम अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स कहते हैं। जैसे मूंग, सावा, तोरिया, लाही आदि ये सब अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं। अगला है ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। ऐसी फसलें जो कि मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे कपास की चारों ओर भिंडी उगाना, क्योंकि दोनों एक ही कुल के पौधे हैं, दोनों में कीट और रोग लगभग सेम लगते हैं। तो अगर कपास की चारों ओर भिंडी लगाएंगे तो भिंडी में कीट और रोग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे हमारी कपास की फसल जो होती है वो सेफ बच जाती है, भिंडी का नुकसान हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया कीट आकर्षक फसलें। और लास्ट है हमारा नर्स क्रॉप्स या पोषक फसलें। पोषक फसलें क्या होती है कि ऐसी फसल या मुख्य फसल जब कभी दूसरी फसल को पोषक प्रदान करती है या एक फसल से दूसरी फसल को जब लाभ प्राप्त होता है उसे हम पोषक फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना बोना। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग टू सोशल यूटिलाइजेशन ये आपका पूरा हुआ। एक आपका साथ लास्ट बचा हुआ है क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग टू फोटो पीरियड, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो या कुछ भी समस्या है आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।